हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपकी। फर्स्ट इज सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। तो जो 2021 का सेंसस था वो 2020 में शुरू हो जाना चाहिए था, जो उसका हाउस होल्ड लिस्टिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। सो द गवर्नमेंट इज़ नाउ कंसिडरिंग पोस्टपोनिंग द सेंसस टू 2022 बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस एंड फॉर कंपाइलिंग द डेटा, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर टेकिंग ऑल द प्लान डिसीजंस as far as India and states are concerned. तो important news है। Next important news is a bullet through an island's heart। तो लिटल अंडमान को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक मेगा सिटी की तरह प्लान करने की, डेवलप करने की जो है वो प्लानिंग कर रही है। सो दिस हैज़ रेज द आईब्रोज ऑफ कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो काफ़ी इको सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई मेगा सिटी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इट मे हैव रिपरकशंस फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी देयर। तो वो एंगल और ये पूरी की पूरी डिटेल्ड न्यूज़ आपने कवर करनी है, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस और गवर्नमेंट उस पर क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। सो दीज टू न्यूज़ आइटम्स आर व्हाट यू हैव टू कवर फ्रॉम हियर। देन मूविंग ऑन, टू दी एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ग्रोथ विद इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है अभी 2 दिन पहले। तो इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ये क्रिटिक है, यू कैन से। सो इसमें ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वेल्थ क्रिएशन को ज़्यादा फोकस कर रहा है बजाय कि इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के। सो ये क्रिटिकल पीस है, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एज आई टोल्ड यू कि जो पिछला न्यूज़पेपर था दैट वाज अ, यू कैन से इट वाज अ कलेक्टर्स एडिशन। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जो आपको पढ़ने हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स थे जिनकी आप कटिंग भी रख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन एन एंटायर ईयर। तो ये आर्टिकल आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आया है, ये पढ़ना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल इज़। उसके बाद जो ये वाला आर्टिकल है, द फार्म लॉज नीड पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो फार्म लॉज हैं उनके ऊपर कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उन्हें। इट्स अगेन ओपिनियन पीस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रीड इट, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एज वेल। फॉर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, द महात्मा एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर और गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, दिस आर्टिकल। जो ये वाला एडिटोरियल है, इंस्टेबिलिटी इन इटली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। अगेन an important article, building a robust healthcare system with better governance, northern states can bring their health systems on a par with southern states। तो इस आर्टिकल में बेसिकली पहले यही बताया गया है that there is a lot of disparity between northern and southern states as far as healthcare system is concerned। लेकिन कैसे northern states जो हैं वो खुद को improve कर सकती हैं, southern states के बराबर अपने health indicators को ले जा सकती हैं, ताकि हम next time अगर कोई, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आता है तो उसके लिए हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हों। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, हेल्थ केयर सेक्टर आफ्टर द कोविड-19, इस तरह का इसका थीम है। सो डू रीड दिस आर्टिकल। देन वी मूव ऑन टू द न्यूज़ पेज। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हेयर, इरानियन विजिटर्स कम अंडर स्क्रूटिनी। ओके, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। Then on this page nothing important here much ये दो न्यूज़ हैं जो आपको पढ़नी है। वन, इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स फॉर चाबहार। इंडिया जो एक पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, उसके लिए 2 क्रेन्स जो हैं इंडिया ने डिलीवर की हैं चाबहार पोर्ट के लिए। तो इंडिया ईरान रिलेशंस के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि कुछ देर पहले न्यूज़ आई थी कि चाबहार पोर्ट में एक इंडिया एक रेलवे लाइन डेवलप कर रही है जिससे इंडिया को बाहर कर दिया गया है। सो नाउ अगेन देयर इज़ अ रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप, तो ये आपको पढ़ना है। सेकेंडली, HAL कंप्लीट सुखोई ऑर्डर, लास्ट 2 जेट्स रोल आउट सून। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डिफेंस सेक्टर मॉडर्नाइजेशन के लिए ये न्यूज़ आपको ज़रूर पढ़नी है। Alright, so these are the news that you have to read in the newspaper today. Alright, now just go and read these news items. और अगर आपको ये guide पसंद आई हो, अगर आपको ये format पसंद आया हो, please let me know in the comment section. Do like, subscribe and share it with your friends. Thank you and have a nice day.